शनिवार का दिन लालू प्रसाद यादव के लिए खास होता है क्योंकि आज ही के दिन समर्थक उनसे मिलने पहुंचते हैं। आज बिहार के एमएलसी रणविजय सिंह के अलावा और भी कई लोगों ने उनसे मुलाकात की। वहीं लालू यादव के डॉक्टर डीके झा ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा कि लालू प्रसाद का 60% किडनी ही काम कर रहा है। पिछला बार 40 था, अब हम लोग जांच किए हैं अभी और उसमें सुधार हुआ है, उसमें 60% पर आ गया। किडनी जब 15% काम करना लगता है ना सर, तब बद लगाया जाता है और वही पटक करके ऐसा सिर्फ फिरा कोई बात है कि पटक के किडनी लगा दिया जाएगा। कितना परसेंट उनका अभी कौन क्या खाता है, इससे उनको नहीं बचता। अभी 60% उनका किडनी काम कर रहा है और जब ऐसा होगा 15% पर आएगा तो उसको विचार किया जाएगा। अभी वो ऐसा एडवांस किडनी नहीं लगाया। जैसे ही समर्थकों ने लालू यादव के डॉक्टर डीके झा से ये सुना कि लालू प्रसाद का 60% किडनी ही काम कर रहा है तो सभी सकते में आ गए और उन्हें किडनी दान करने की पेशकश करने लगे। मैं यहाँ आई हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए, कई बार आई लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई है। आज मैं बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ कि शायद हमारी मुलाकात उनसे उनका दर्शन हो जाए। कुछ लालू जी की किडनी खराब है और अगर हमको किडनी देना पड़ेगा तो क्या साधारण बात करते हैं, आंख किडनी सब साधारण चीज है। लालू जी के लिए मैं एक नाई की बेटी हूँ, 5 किलो अनाज पर गांव में घूम के दाढ़ी बनाने वाला का बेटी, और लालू जी का कृपा हुआ कि मैं कुर्ता पहन करके अभी भाषण दे रही हूँ। ये सामाजिक न्याय का देन है। लालू प्रसाद यादव कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, लालू प्रसाद यादव एक विज्ञान का नाम है, दिग्दर्शन का नाम है, लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा का नाम है। जिस तरह से देखते हैं कि वेद भारत में वेद को बहुत माना गया है कि वेद जो है सदियों से आ रही है, अनादि काल से आ रही है, जिसमें ऋग वेद, यजुर वेद, साम वेद, अथर्व वेद है। जिस तरह से गीता रामायण और उपनिषद को रखा गया है उसी तरह से लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय का एक ग्रंथ है। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय नहीं होता तो जिन मनुवादियों के सामने हमारे जैसा पढ़ा लिखा गरीब का बेटा बेटी कुर्सी पर बैठने का हिम्मत नहीं करता था। पढ़ा लिखा हो सकता था, धनवान हो सकता था, लेकिन उसको मानसिक आजादी नहीं थी, कलेजा में ताकत नहीं था, जुबान में ताकत नहीं था। उसको लालू प्रसाद यादव जी ने जुबान में ताकत देने का काम किया। फंक्शनिंग उसका कम हो गया। तक बात है कि किडनी खराब है तो लालू जी को किडनी देने के लिए दोनों आँख और किडनी दोनों अभी देना पड़ेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मामला यही नहीं थमा। लालू के सेवक और झारखंड प्रदेश महासचिव मोहम्मद इरफान अहमद अंसारी ने अनोखी पेशकश करते हुए पूरे परिवार संग लालू प्रसाद को किडनी दान करने का प्रस्ताव दे दिया। इरफान अंसारी ने पूरे परिवार के सदस्यों के नाम के साथ एक प्रस्ताव रिम्स प्रबंधन को दिया है। इसमें कहा गया है कि वे लालू प्रसाद के लिए पूरे परिवार का किडनी दान करने को तैयार है। लालू प्रसाद जी का 33% किडनी काम कर रहा है, ये आप लोगों को मालूम है कि नहीं? 33 हो गया है। अच्छा। तो उन्हीं का देखते हुए हम लोग काफी चिंतित हैं। तो मैं अपने घर के परिवार के साथ 5 बेटा 1 बेटी और पत्नी के साथ हम लोग आज 3 बजे रिम्स के डायरेक्टर और रिम्स सुपरिटेंडेंट को एक एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि हम लोग 5 बेटा 1 बेटी और वाइफ के साथ जिसका भी सेट हो जाए हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के कृष्ण को जब जरूरत पड़ेगी हम लोग तैयार। गौरतलब है कि डॉक्टर के मुताबिक लालू यादव किडनी बीमारी से ग्रसित है। हालांकि अभी लालू प्रसाद यादव की किडनी इतनी भी खराब नहीं हुई है कि इसे बदला जा सके, पर समर्थकों ने जो अनोखी पेशकश की है उससे लालू को ऊर्जा जरूर मिलेगी। सबरंग समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।